दोस्तों धीरे धीरे बहुत ही बड़ा मुद्दा पूरे भारत देश में बढ़ता जा रहा है और पहला ही मुद्दा है ओल्ड पेंशन स्कीम। मतलब अभी ये बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है पूरे भारत में, चाहे वो राज्य के कर्मचारी हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हो। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों ने नारा दिया है कि ओपीएस नहीं तो वोट नहीं। अब मैं कर्मचारियों से यही कहना चाहूंगा कि क्या कर्मचारी चाहते हैं ओल्ड पेंशन चालू होना, तो क्या कर्मचारी संगठनों का साथ दे पाएंगे? आप सभी कर्मचारी, चाहे वो राज्य सरकार के कर्मचारी हो या फिर वो केंद्र सरकार के कर्मचारी हो, सभी को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ जरूर मिलना चाहिए। परंतु उसके लिए सभी कर्मचारियों को एकजुट होकर एकता दिखानी होगी, जब जाकर भारत सरकार जागेगी। नहीं तो आप जब रिटायर हो गए तो आपको भी वही हर महीना पेंशन के रूप में मिलेगा, तो 1700 रुपये, 2000 रुपये, 2200 रुपये। क्या आपका घर चल पाएगा? नहीं। तो बुढ़ापे की लाठी आपकी है तो वो है ओल्ड पेंशन स्कीम। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आप लड़ रहे हो तो आपको सभी कर्मचारियों को एकता बनाए रखना है, जब जाकर कर्मचारियों की आवाज भारत सरकार के पास पहुंचने वाली है। और ये यकीन के साथ मैं कहना चाहूंगा कि भारत सरकार के बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े जो संगठन के लीडर हैं वहां तक आवाज जा पहुंची है। अब बारी है कि देश के सभी कर्मचारियों को समानता के रूप में ओल्ड पेंशन मिलेगी या फिर नेता, एमएलए या सांसद को ही ओल्ड पेंशन चालू रहेगी। देश में एक ही संविधान तो एक ही पेंशन होना जरूरी है। अभी आपने देखा होगा कि 10 अगस्त को दिल्ली में रामलीला मैदान में बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक संगठन के द्वारा रेलवे कर्मचारी, जैसे ही 30 संगठन ने लाखों की भीड़ इकट्ठा करके ये बतला दिया कि ओल्ड पेंशन के लिए सभी कर्मचारी की एकता जरूरी है। अब आने वाले समय में क्या आप सभी कर्मचारी साथ दे पाएंगे, ये देखना जरूरी है। और ये देश में सबसे बड़ा ही मुद्दा भी बन चुका है देश का कि ओल्ड पेंशन स्कीम। अब इसमें एनपीएस कर्मचारी के साथ में पुरानी पेंशन जिन कर्मचारियों को चालू है, लागू है, वो कर्मचारी भी एनपीएस कर्मचारियों के साथ दे रहे हैं। तो एनपीएस कर्मचारी क्यों स्वयं कर्मचारी का साथ क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आपकी फैमिली और आपका परिवार को पुरानी पेंशन से ही घर चलने वाला है और आपके बुढ़ापे की लाठी ही पुरानी पेंशन है। तो देश में ये बहुत ही बड़ा मुद्दा हो चुका है। आप जानते हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों में, 5 राज्यों में पुरानी पेंशन का ऐलान किया था और 5ों राज्य कांग्रेस शासित जीत गए थे, और एक आप पार्टी का है। उसी तरह से बहुत ही राज्यों में धीरे धीरे ओपीएस का रुतबा बढ़ता जा रहा है। अब मोदी सरकार को सोचने पर विवश होना ही पड़ेगा और लागू ही करना पड़ेगा। परंतु अगर हम कर्मचारी घर बैठे रहेंगे तो फिर ओल्ड पेंशन तो बहुत ही दूर हो जाएगी। इसलिए जहां भी पेंशन के बारे में बातचीत हो, पेंशन के बारे में काम हो, तो हम सब कर्मचारियों को सभी काम का छोड़कर पुरानी पेंशन के मुद्दे पर हमको बातचीत करना चाहिए। कर्मचारी का योगदान देश की प्रगतिशील में और विकासशील में ही होती है। आज अगर चांद पर चंद्रयान पूछा है तो वो कर्मचारियों की बदौलती है। अगर आज संसद नहीं बनी है तो वो भी कर्मचारियों की बदौलती है। देश में प्रगति बन रही है, देश का विकास हो रहा है, तो कर्मचारियों का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो कर्मचारियों को कभी ना कुछ नहीं होने देना है सरकार को, और सरकार को पुरानी पेंशन चालू कर देना चाहिए। कर्मचारियों ने यह भी नारा दिया है कि पेंशन ओपीएस नहीं तो वोट नहीं। मतलब जो कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करेगी जो संगठन या जो सरकार, उसके लिए ही वो वोट का नारा दे रहे हैं। तो मैं बीजेपी सरकार से यही निवेदन करूंगा कि बीजेपी सरकार अगर अपनी सरकार फिर दोबारा दोहरानी चाहती है तो ओल्ड पेंशन सभी कर्मचारियों के लिए लागू कर देना चाहिए। एक देश, एक संसद, एक कानून, तो एक ही पेंशन होना चाहिए। एक देश में अलग अलग पेंशन नहीं होना चाहिए। अगर सांसद, एमएलए, विधायकों को अगर पेंशन मिल रही है, मंत्रियों को पेंशन मिल रही है, तो कर्मचारियों को क्यों नहीं? कर्मचारी पूरा 60 साल तक अपनी पूरी जिंदगी का अहम समय पूरा देश के लिए लगा देता है। तो देश के लिए लगा देने वाले कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन होना जरूरी है, क्योंकि पुरानी पेंशन ही वृद्ध आदमी की, बुढ़े आदमी की लाठी होती है। क्योंकि बुढ़ापे में सारा ही पुरानी पेंशन होती है। वो समझता है कि मेरे पास पैसा है, मैं मेरे लिए खर्च कर सकता हूं और मेरा खर्च चला सकता हूं। तो देश को सोचना चाहिए, देश की सरकार को सोचना चाहिए कि यहाँ पर देश को चलाने वाले ही आम जनता के साथ में कर्मचारी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो मैं चाहूंगा कि सभी कर्मचारी अमल करेंगे
और सभी के साथ में सहयोग करेंगे और पुरानी पेंशन का झंडा जहां भी गड़े, जहां भी नारा लगे, जहां भी इकट्ठा होना है, सब जगह वहां पर कूद जाना है पता लगते ही। अगर आप ये सोच लेंगे कि मेरे मोबाइल देखने से, व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करने से, फेसबुक पे कमेंट करने से, ओपीएस ओनली वोट करने से, तो ये नहीं होने वाला, क्योंकि सोशल मीडिया का जरूर जमाना है, परंतु आपको जमीनी स्तर पर भी आपको काम करना होगा अपने जीवन के महत्वपूर्ण समस्या के लिए और ओपीएस के लिए तो खास कर, क्योंकि सोशल मीडिया व्हाट्सएप फेसबुक से ही प्राप्त नहीं हो सकती, जमीनी स्तर पर भी आपको लड़ना होगा कर्मचारियों को ओपीएस के लिए, चाहे वो राज्य के कर्मचारी हो चाहे वो केंद्र के कर्मचारी हो। अब यहाँ पर देख सकते हो आप कि हर जगह राज्य का कर्मचारी हो चाहे केंद्र सरकार का कर्मचारी हो, जहां भी कटाना होना है बहुत ही तेज हो रहा है, क्योंकि आप जानते हो कि ये मुद्दा पहले ओपीएस का इसलिए नहीं उठा क्योंकि 2004 के बाद में एनपीएस स्कीम लागू की गई थी और वहां उस समय एनपीएस वाले कर्मचारी बहुत ही कम थे। अब धीरे धीरे लगभग 80-90% कर्मचारी एनपीएस में दायरे में आते हैं और उन कर्मचारियों का पता चला कि एनपीएस में जो कर्मचारी रिटायर हुआ है और एनपीएस उसको मिली है उसको केवल 2,200 रुपए मिला है, तो उसमें क्या खर्च चल पाएंगे। आने वाले समय में आप मोबाइल रिचार्ज भी नहीं कर सकते आपकी एनपीएस वाली पेंशन से, और ना गैस सिलेंडर आप ले सकते हो, ना सब्जी आप ले सकते हो, तो फिर एनपीएस की पेंशन से बुढ़ापे का खर्च कैसे चलेगा। यही देखकर हम ये विश्वास जताना चाहते हैं कि आप सभी कर्मचारी एक साथ जुड़ता के साथ में यही रखना है कि ओपीएस लेना बहुत ही जरूरी है। जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।